हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आरती, आई होप आप सब बढ़िया हो। एंड आज हम आए हैं श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पे आप आपकी खुद की गाड़ी लेके अंदर घूम सकते हो एंड जहाँ पे आपको लाइव लायंस देखने मिलेंगे, जो आपके एग्जैक्टली सामने होंगे एंड जो आपके आसपास घूमेंगे। इसके लिए भी चार्जेस है, सो फुल डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगी। एंड ये सारी डिटेल्स जाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एंड आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले जो वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आपको मिले। सो विदाउट वेटिंग फर्दर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तिरुपति से इस पार्क का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है एंड जिसका लोकेशन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, जिससे आपको ये यहाँ पे आने के लिए आसानी होगी। एंड जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टिकट निकालना पड़ेगा। एंड टिकट का प्राइस है अडल्ट के लिए 50 रुपीज़, चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपीज़। अगर आप फोर व्हीलर अंदर लेकर जाना चाहते हो ड्राइवर के साथ, तो आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। कोई कैमरा होगा आपके पास डिजिटल कैमरा, तो उसके लिए 150 अलग से, एंड मोबाइल के लिए आपको 30 रुपीज़ पर मोबाइल देना पड़ेगा। सो जिस दिन हम वहाँ पे गए थे, हमने जब वहाँ पे विजिट किया था, तब वहाँ पे एक स्कूल की ट्रिप आई थी, दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिखाई देंगे। एंड आप जैसे ही अंदर एंटर करोगे, आपका सबसे पहले तो सिक्योरिटी चेक होगा एंड उसके बाद आपको देखने मिलेगा कि आप अंदर साइकिल से भी घूम सकते हो। यहाँ पे उनके साइकिल्स रखे गए हैं, जिसके चार्जेस है 25 रुपीज़ पर आवर। लेकिन हम बहुत सारे लोग थे और हमारे पास गाड़ी भी थी, इसीलिए हमने गाड़ी के चार्जेस देखे, हम गाड़ी से घूमने का हमने तय किया। एंड वहाँ पे आप जाने के बाद जैसे ही आपको एनिमल्स दिखाई देंगे, आप वहाँ पे गाड़ी रुकवा सकते हो एंड जो चाहे आप एनिमल्स देख सकते हो। सो इसमें सबसे पहले हमने देखा स्पॉटेड डियर। उसके बाद हम जैसे ही आगे गए, हमें वहाँ पे दिखा सांबर डियर। सो यहाँ पे आपको आने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी दो बताए, आप आपके प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हो। सेकंड वन इज़ साइकिल एंड जिसके चार्जेस है 25 रुपीज़ पर आवर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। एंड यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो कि थर्ड ऑप्शन है एंड जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड। सो द नेक्स्ट सेक्शन विल बी बर्ड सेक्शन, जहाँ पे सबसे अट्रैक्टिव एंड मेन चीज़ जो थी ये वाइट पिकॉक। मैंने अभी तक वाइट पिकॉक कहीं भी नहीं देखा था एंड ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पे मैंने इतने सुंदर वाइट पिकॉक देखे। वाइट पिकॉक के साथ आपको यहाँ पे कॉमन पिकॉक भी देखने मिलेगा, जो एग्जैक्टली इसके साइड में होता है। एंड यहाँ पे बर्ड सेक्शन में आपको और भी बहुत सारे बर्ड्स देखने मिलेंगे, जिसमें हैं कालीज पीजन, देन रिंग नेक पीजन, सिल्वर पीजन एंड देन गोल्ड पीजन, ग्रे पैट्रिज एंड एज वेल एज लेडी एमहर्स्ट पीजन। एंड दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, आप जूमें इलेक्ट्रिक बग्गी से भी घूम सकते हो एंड ये आपको स्टेज बाय स्टेज वहाँ पे लेके जाएगी, वहाँ पे रुकवाएगी। आप जैसे ही सब कुछ देख के आओगे एंड देन वो आगे नेक्स्ट स्टेज पे आपको लेके जाएगी। आफ्टर बर्ड्स हमने देखा ब्लैक बर्ग एंड उसके बाद हम चले गए इंडियन गौर देखने, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े एंड डरावने लग रहे थे। इसी के साथ हमने और भी बहुत सारे एनिमल्स देखे, कुछ कुछ तो बहुत दूर थे इसीलिए बहुत सारे तो दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब हम जाएंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट जगह पे, जहाँ पे हम बेसब्र थे जाने के लिए, एंड वो है लायन सफारी, जहाँ पे आपको एक बस में बिठाया दिया जाता है एंड वहाँ से आपको लाइव लायंस दिखाई देंगे, जो आपके आसपास होंगे, गाड़ी के आसपास होंगे। एंड उसके चार्जेस है 50 रुपीज़ पर पर्सन एंड 30 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस।
सो यहाँ से आपको टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ पे आपको स्टिकर्स मिलेंगे एंड वो लेके आपको यहाँ पे लाइन में बैठना पड़ेगा। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको बस में बिठा दिया जाएगा। सो हमें बहुत अच्छा सीट मिला था जहाँ से हमें लाइन बहुत अच्छे से दिखने वाला है। सो लेट्स गो। एंड फाइनली हमने जो पैसे दिए थे वो कुछ काम के आए एंड हमने देखा एक लाइन है जो आराम से बैठी हुई थी और इतनी बड़ी थी कि क्या ये बताऊँ। और जो लायन था उसको एक अलग से पिंजरे में रखा गया था, वो भी खुला था लेकिन उसके अंदर एक पिंजरा था। एंड ये जो लाइन है जैसे ही मैंने साइड में देखा, ओ माय गॉड, मैंने उसको खिड़की से देखा, आई वाज रियली हैप्पी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने लायनेस को ऐसे सामने लाइव देखा था। एंड फिर उसके बाद हमें वो लोग कहीं और लेके गए, मतलब कुछ अलग एरिया था दूसरा वाला जहाँ पे और भी हमें लायंस देखने मिलेंगे। सो लेट्स सी एंड लुक एट हर नाउ। ये तो मतलब इतने गुस्से में थी, ऐसा लग रहा था हमें घूर घूर के देख रही हो और अभी जाके अटैक करेगी, लेकिन नहीं किया। एंड दिस इज़ द सिक्योरिटी सिस्टम जहाँ पे एक गेट खुलेगा तो दूसरा बंद होगा एंड दूसरा वाला बंद होने के बाद ही पहला वाला खुलेगा। एंड देन हम चले गए लेपर्ड देखने जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर था एंड हमें बहुत क्लियरली नहीं दिखाई दिया, मतलब हमें दिखाई दिया लेकिन मोबाइल में मैं नहीं दिखा पाई। उसके बाद हम चले गए टाइगर देखने जो कि बहुत ही पास आया था एंड थैंक गॉड जिससे मैं अच्छे से शूट कर पाई। एंड उसके बाद हम देखने गए थे वाइट टाइगर जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डरेबल लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वाइट टाइगर मैंने ऑलरेडी एक बार देख लिया था पूना में, ये सेकंड टाइम था मेरा वाइट टाइगर देखना। एंड आफ्टर दैट हम जैसे ही आगे गए हमें स्नैक्स वाला सेक्शन मिला तो हमने वहाँ पे स्नैक्स देखे। एंड उसके बाद हम चले गए एलिफेंट देखने जो मैंने केरला में ऑलरेडी एलिफेंट की राइड कर ली थी तो मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसमें। एंड देन एलिफेंट के सेक्शन के एग्जैक्टली सामने ही क्रोकोडाइल का सेक्शन था जहाँ पे आपको क्रोकोडाइल के साथ घरियल क्रोकोडाइल भी देखने मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े थे एंड बहुत सारे थे, मतलब लाइक क्रोकोडाइल कुछ 7-8 होंगे एंड घरियल क्रोकोडाइल वर लाइक 5 or 6। एंड दैट्स इट फॉर द डे। सो मैंने पूरा जू का टूर आपको करवा लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो एंड अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा है देन डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।